फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लाई हूँ जिसको लगाने के बाद चेहरा बिल्कुल ही चमक उठेगा। ऐसे छठ पूजा आने वाला है तो क्यों ना हम इस पे कुछ नया स्पेशल घर का चीज़ यूज करें। तो चलिए आज हम बताने जा रहे हैं आपको ये तरीका कैसे यूज करते हैं। आप इसको विश्वास के साथ लगाओ, बिल्कुल ही चेहरा साफ हो जाएगा और बेदाग हो जाएगा। सबसे पहले हम एक कटोरी लेंगे, उसके बाद शहद लेंगे आधा चम्मच, आपको जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। देखिए शहद मैं गिरा रही हूँ इसमें कटोरी में। एलोवेरा के पत्ते लेंगे, पेड़ के पत्ते ना हो तो आप मार्केट का पतंजलि का एलोवेरा ले सकते हैं। इसको छिलके हमें से उतार लेंगे। देखिए इसके बीच का भाग, देखिए इसको लगाने के बाद चेहरा बहुत ही चमकने लगता है। अच्छे से पेस्ट तैयार कर लें। एक चम्मच, हाफ चम्मच हल्दी लेंगे, एक चम्मच कच्चा दूध, देखिए मैंने दूध रखा है, कच्चा दूध रहे, इसको अच्छे से हम तैयार कर लेंगे पेस्ट बनाकर। देख सकते हैं पेस्ट बन रहा है मेरा। बन गया है। इसको अपने बाद इसको फेस पे हम अप्लाई करेंगे। आपको तो पता है एलोवेरा भी चेहरे के दाग धब्बे को मिटाता है, शहद मॉइस्चराइज करता है और हल्दी से भी जो चेहरे पे रोए होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, सब ख़त्म हो जाते हैं। मैंने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, इसके बाद हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीस मिनट बाद हम इसको गर्म पानी से
हल्का गुनगुने पानी से धोएंगे। आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को पानी से धो दिया है गुनगुने पानी से और मेरा चेहरा बिल्कुल ही सॉफ्ट लग रहा है। तो आप भी इसे ज़रूर यूज करें, हफ्ते में 2 बार ही यूज करना है आपको। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।